आपने इतने चुनाव लड़े, इतने चुनाव जीते, कुछ चुनाव आप हारे भी हैं। आज जब पर्चा भर रहे थे आप, अचानक चुपचाप आपके नाम का डिक्लेरेशन लेट बाद में हुआ पार्टी की तरफ से, पर्चा आपने पहले दाखिल कर दिया, तो ये चुपचाप भरने की नौबत क्यों आई? नहीं, चुपचाप नहीं भर रहा जाता है। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ, युद्ध के मैदान में सरप्राइज का बड़ा महत्व होता है, तो ये एक सरप्राइज है पार्टी के। मेरी पीएचडी भी जो है डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड पीस पर है। मैं मैकियावेली को बहुत पढ़ा हूँ। माओ से तुंग कहता था कि अप्रोर इन ईस्ट एंड अटैक इन वेस्ट, हैं पूरब में दहाड़ो और पश्चिम में वार करो। तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, रणनीतिकारों ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई होगी, और मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीति की चुनावी इतिहास में ये पहली घटना है कि पर्चा पहले दाखिल हो गया है, डिक्लेरेशन बाद में हुआ है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जो लोग अपना गढ़ बताते हैं, अजेय बताते हैं, पैतृक बताते हैं, और कभी ना हारने वाली सीट बताते हैं, किला बताते हैं, वहाँ पर मुझे लड़ा करके इलेक्शन रोचक ही नहीं हुआ है, बल्कि करहल में इस समय मैनपुरी ज़िले में ठंड में तापते हुए हर गांव में अघाना हम लोग कहते हैं उस पर आज ये चर्चा हो रही है कि 2:10 पर जो एक राजनीतिक क्विस्ट हुआ है। कुछ सवालों के जवाब जल्दी जल्दी जान लेता हूँ। ठंड के अलावा पर चर्चा का विषय बताइए बघेल साहब, इसको बताइए, आपको कब बताया गया कि आपको करहल जाना है? पार्टी आला कमान से कब इत्तला मिली आपको, आज सुबह कल रात को? जो 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 योद्धा होते हैं उनको हमेशा तैयार रखना चाहिए और अपना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि अचानक कह दिया जाए तो आप मानसिक रूप से तैयार ना हो। मैं वो हूँ। अच्छा, आप लोग बहुत ये कह रहे हैं कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अखिलेश यादव जी के सामने 2009 में बहुजन समाज पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ा था। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का इस चुनाव में 28 दिन का गठबंधन ना होता तो अखिलेश यादव जी हार गए थे। 64,000 से मैं वो चुनाव हारा था, और कल्याण सिंह जी में क्षमता, फिरोजाबाद लोकसभा में 1,25,000 वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी, वो नहीं है। लेकिन मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहना चाहूँगा कि वो अपने समाज में पोप की स्थिति थी, तो वो मेरी हार का एक कारण था। फिर मैं डिम्पल यादव से भी चुनाव लड़ा हूँ, फिर मैं अक्षय यादव जी से चुनाव लड़ा हूँ 2014 में। तो इनको छोड़ने के बाद मैं 3 सदनों में रह चुका हूँ दूसरी पार्टियों से, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी। आपका जीवन परिचय, राजनीतिक परिचय शुरू में दे दिया, उसकी चिंता मत करिए, आपके साथ पूरा इंसाफ कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप 9 हारे, आप 14 हारे, आप 12 हारे, फिरोजाबाद आप हारे भी तो हैं। आप इसी परिवार ने आपको राजनीति में लेके आए, आप शैडो थे, मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज आप अपने गुरु के, जिनके आप पैर छूते हैं, ये मैं निजी तौर पे जानता हूँ, आज भी आप नेताजी के पैर छूते हैं, जी जी, आज उन्हीं के सुपुत्र से आपका मुकाबला है। चिंता तो हो रही होगी ना कि कहाँ अपने गुरु से मुखालफत नहीं, मैं धरती पुत्र जी से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं उनके पुत्र ट्विटर पुत्र के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये व्यक्ति पूजक देश है, आप उनकी तुलना अखिलेश यादव की मुलायम सिंह जी से नहीं कर सकते हैं। मुलायम सिंह जी को भी ये लग रहा होगा कि मैंने उनके साथ उतना बुरा नहीं किया जो उनके पुत्र ने किया है, कि अखिलेश यादव ने 2017 में समाजवादी पार्टी, जो BKD, लोक दल, जनता दल, जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी होते हुए समाजवादी पार्टी बनी, जिस नर्सरी को वटवृक्ष बनाया था, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की नेम प्लेट इन्हीं लोगों ने उखाड़ करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से पदच्युत किया था, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वो उनका आप चले गए बसपा, आप आ गए भाजपा, आप अखिलेश यादव जी को इतना कोस रहे हैं, अपना क्यों भूल जा रहे हैं? मैं छोड़ा, इन्हीं मुलायम सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा है। भाई भाई, मेरा सुमित भाई 3 लगातार हैट्रिक उसको कहते हैं, जो 3 बॉलों पर 3 विकेट गिरा दे। मैंने जलेसर में लगातार 3 जीता था जब चारों तरफ भाजपा जीतती थी। चौथी दुनिया का ओवर 6 बॉलों का, नेताजी का ओवर 3 बॉलों का था, चौथी बॉल अपने बेटे को पकड़ा दी, 5वीं डिम्पल को पकड़ा दी। तो भैया मैं भेड़ थोड़े चराऊंगा, मैं राजनीति करूंगा, तो और अपने अनुयायी समर्थक प्रशंसकों को कहाँ लेके जाऊँ? तो मैंने छोड़ा नहीं है। ऐसा कम होगा कि 3 के MP की टिकट काट दी जाए और उसकी सजा वो आज भी भुगत रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं कि आपको राजनीति करनी है, यानी आप करियर पॉलिटिशियन है, आपको राजनीति करनी चाहे किसी भी पार्टी में रहे, विचारधारा मैटर नहीं करती है। मेरे को समाजवादी विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में जमीन आसमान, मेरे को लोगों की सेवा करनी है। अरे
अरे भाई अंत्योदय उनका दीनदयाल जी का अंत्योदय लोहिया का समतामूलक समाज, बाबा साहब का जो है समतामूलक समाज और ये लोहिया जी की गैर बरादरी, ये सब एक है। सबका उद्देश्य है गरीब लोगों की सेवा करना। नहीं तो यादव बहुत तो मैंने सीट नहीं है, छोड़ा उन्होंने करहल की यादव बहुत सीट है, आंकड़े बहुत साफ अपने परिवार में किसी की टिकट नहीं काटी। कैसे कैसे हरा पाएंगे वहां अखिलेश यादव को, लगता तो नहीं समीकरण को देखे हुए। अरे भैया कॉल लुइस का रिकॉर्ड बेन जॉनसन ने तोड़ा, कभी विंबलडन कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, कभी किसी की हैट्रिक होती है फिर दूसरी हो जाती, कभी किसी की सेंचुरी हो जाती है दूसरी हो जाती है। आंकड़े ही आंकड़े तोड़ने के लिए होते हैं। इसलिए आप जो बार बार एक जाति विशेष का नाम ले रहे हैं, मुझे कोई उनसे गुरेज नहीं है। अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो इस करेल विधानसभा में मोदी और योगी के प्रशंसकों की संख्या इतनी ज़्यादा है, लाभार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा है, और ख़ास तौर से सपा की सभी सरकारों के जो पीड़ित लोगों की संख्या है, शोषित लोगों की संख्या है, दबे हुए की संख्या है, तो करहल को हरा देंगे। आप जब पहुंचे सन्नाटे में पहुंचे पर्चा भर रहे अखिलेश पहुंचे तो पसंद करता हूं। मैं कोई चांदी की चम्मच लेके थोड़े पैदा हुआ हूं कि मेरे जुलूस में पजेरो लैंड क्रूजर और ऑडीज हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति का बेटा हूं और पार्टी भी बहुत, मैं आज आपको एक और बात बता दूं कि ये एरोगेंसी एटीट्यूड वीआईपी गिरी को जनता पसंद नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिंपल सिटी को सब पसंद करते हैं। ABP News आपको रखे आगे।